ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां कराची शहर में एक 3 मंजिला इमारत धराशाही हो गई। इस बिल्डिंग के ढह जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा कराची के गुलबहार इलाके का है, जहां अफरतफरी का माहौल बना हुआ है। कयामत का असर था, कयामत का असर थे। पहले बिल्डिंग 3 मंजिल नीचे दबी है, फिर ऐसे हटिए 2 मंजिल दूसरे मकान पर जाकर रुकी है। वो भाई ये जो है यहाँ ऐसी बिल्डिंग बन रही है, वो इसको देखे, सिर्फ पैसा लेके चले जाते हैं लोग और बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे देते। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये इमारत पूरी तरह से धराशाही हो चुकी है, साथ ही बिल्डिंग के आसपास मौजूद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि जो बिल्डिंग गिरी है उसके पास भी एक बिल्डिंग को खतरनाक माना जा रहा है और वहां से भी लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। कई और लोगों के भी इस इमारत के नीचे दबे होने की आशंका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके नोटिस ले, और यहाँ इतने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे जो बेचारे मलबे के नीचे, उनका कोई अभी तक किसी को भी नहीं निकाला गया, सब फंसे हैं अभी। बिल्डिंग गिरने के बाद इसे मिले परमिट को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सिंध के मुख्यमंत्री ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जनवरी महीने में कराची प्रशासन ने 382 घातक बिल्डिंग्स को खाली कराने के लिए कहा था। अब अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस बिल्डिंग का नाम भी उस लिस्ट में था या नहीं।